का है, जैसे कि एक बहुत बड़ी समस्या आई है क्षेत्र में, जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, जो क्या नाम उसका मजदूर है, जो रिक्शा चालक है, इन सब के पास चूंकि इनका आय की जो साधन थे वो सब बंद हो गए। सबसे बड़ी समस्या रिक्शा चालकों के पास मैंने देखी, चूंकि हम लोग जब गए तो देखा रिक्शा चालक लाइन से अपनी रिक्शा लगा कर बैठे हुए हैं, चूंकि उनके पास साधन ही बंद हो गया आय का। उनको खाना पहुंचाने का हम लोगों ने एक इंतजाम बनाया कि हम लोगों ने घरों में खाना बनवाया, और खाना बनवाने के बाद उनके पास में जाके हम लोगों ने वितरण किया और लोगों से निवेदन किया कि सब लोग 1 से 1.5 मीटर 2 मीटर की दूरी पे आप लोग रहें, और वो लोग बेचारे रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी मजबूरी है, मजबूरी है। खाना का जो समस्या है वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस खाने की पूर्ति के लिए जो गरीब हैं उनको खाना पहुंचे, सोशल सामाजिक जो लोग हैं, जो सोशलिस्ट हैं, वास्तव में बहुत काम कर रहे हैं, उनकी भी मैं तारीफ करता हूं इस काम के लिए। आज एक हफ्ते से हम लोग जो है लोगों के यहाँ खाना पहुँचाना, सामान पहुँचाना, सब्जी पहुँचाना, ये सारा काम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं तो ये जान लीजिए कि हम लोग 9 बजे 10 बजे हम लोग घर जा रहे हैं। ये हम लोग का जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से ये रूटीन बना हुआ है। सड़क के किनारे सन्नाटा पसरा हुआ है, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली हुई हैं, फल और सब्जियों की दुकानें खुली हुई हैं, मेडिकल स्टोर्स भी खुले हुए हैं। सड़क के किनारे और सभी दुकानें बंद हैं। हमारी टीम इसके बाद पहुंची गल्ला मंडी और थोक विक्रेताओं से बात की और स्थिति जानने की कोशिश की। दुकान खुलने का समय क्या है सर? 12 से 5। और राशन में क्या क्या है आपके पास? सर दाल है, चावल है। किस रेट में बेच रहे हैं सर? जो पहले रेट चला तो वही रेट है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है सर। बिजनेस तो थोड़ा फर्क हुआ है लेकिन कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आया है। सारे ग्राहक पूर्ण रूप से नहीं आ पा रहे हैं इस समय, जो जरूरी सामान है वो लेने के लिए आ रहे हैं ग्राहक। पहले से ग्राहक कम है, चल तो रही है, मतलब जरूरतमंद का सामान आदमी ले जा रहा है, चावल दाल। लाभ में कुछ अंतर आया है? नहीं नहीं वही रेट है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सब मास्क लगा के आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के चल रहे हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में जिस समय यहाँ पे लॉकडाउन में खाद्यान्न पदार्थ को आवश्यक वस्तु के अंतर्गत मार्केट को ओपन करने का आदेश हुआ था, उसके बाद शुरुआत में तो 4-5 दिन तक के माल में काफ़ी डिमांड रही। दुकानदारों में ये था कि पता नहीं बाद में माल मिले कि ना मिले। एकदम से ग्राहक बाज़ार के अंदर टूटा और उसने अपने यहाँ माल को स्टोर किया। उसके बाद धीरे धीरे जो है शांत हो गया। कष्ट दुकानदारों को भी ये समझ में आ गया है कि आगे से हमको माल बाज़ार के अंदर कंटिन्यू मिलता रहेगा, वो हड़बड़ी नहीं है दिखाई देती है जो पहले शुरुआती दिनों में दिखाई दे रही थी। पार्क पूरी तरह से खाली हैं। आम दिनों में यहाँ लोगों की भारी भीड़ हुआ करती थी। लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए दिखे। किसी ने खाना तो किसी ने मास्क और ग्लव्स बांटकर लोगों की सेवा की। लॉकडाउन ने सबसे अधिक दिहाड़ी मजदूरों को प्रभावित किया है। कोई भी भूखा न रहे इसलिए लोग भोजन बांटते हुए दिखे। हमने समाज सेवी मोहम्मद एबार्थ से बात की। देखिए, जब से ये आपदा कहिए जो पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है, तमाम मोमिनीन की मदद से ये हो रहा है कि जो गरीब है, जिनको रोजमर्रा के काम करने वाले, जिनको अभी तक रोटी, कोई भूखा ना हो आसपास, इसी सोच के साथ सबकी मदद से ये हो रहा है। फिल्मी कलाकार और कवि भी अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ जरीन खान और मैं आज आप सबसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज़ अपने अपने घरों में ही रहे और इस मुश्किल घड़ी में देश को कोरोना वायरस से जूझने में मदद करें। प्लीज़ घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि ऐसा करके आप ना सिर्फ अपनी जान को बल्कि अपने आसपास वालों, अपने घर वालों और अपने देश वालों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है जिस वजह से आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है तो प्लीज़ मास्क और ग्लव्स के बिना बाहर ना जाएं। मैं अशोक अग्निपथि आप सभी का यथोचित अभिवादन करता हूं और इस वैश्विक महामारी कोरोना से जागरूक करने के लिए अपनी लोक भाषा अवधि में एक लोकगीत आप सभी के लिए प्रस्तुत करता हूँ। आ जाई कोरोना, आ जाई कोरोना, आ जाई कोरोना,
आ जाई कोरोना मनी हो बात हमारी न भाई, आ जाई कोरोना मनी हो बात हमारी न भाई, आ जाई कोरोना आ जाई कोरोना आ जाई कोरोना मनी हो बात हमारी न भाई, आ जाई कोरोना तो मिलब जुलब सब छाड़ो भैया दूर ते हाथ ते ज्वारो, मिलब जुलब सब छाड़ो भैया दूर ते हाथ ते ज्वारो, ओ दूरी रहे माँ हवे भलाई न कौन ते नाता त्वारो, दूरी रहे माँ हवे भलाई न कौन ते नाता त्वारो, रही जिंदगी फिर मिली हो अब यही ते देश उबारो, रही जिंदगी फिर मिली हो अब यही ते देश उबारो, तब तो ना ही कुछ हो सुहाई, तब तो ना ही कुछ हो सुहाई, तब तो ना ही कुछ हो सुहाई, आ जाई कोरोना मनी हो बात हमारी न भाई, आ जाई कोरोना मनी हो बात हमारी न भाई, आ जाई कोरोना तो हाथ धोओ साबुन से अपने मुँह मुसीका बांधो, ओ हाथ धोओ साबुन से अपने मुँह मुसीका बांधो, ओ घर के लड़का सुख सनीचर होए तो उनका नांद हो, ओ घर के लड़का सुख सनीचर होए तो उनका नांद हो, ओ घर माँ अपने बने रहो ना दूसरे के देहरी खांदो, अरे घर माँ अपने बने रहो ना दूसरे के देहरी खांदो, रखियो ना ही अगर सफाई, रखियो ना ही अगर सफाई, आ जाई कोरोना मनियो बात हमारी न भाई, आ जाई कोरोना आ जाई कोरोना आ जाई कोरोना। इसी के साथ हमारी टीम शहर का जायजा लेते हुए दूरदर्शन केंद्र वापस लौटी। अभी आपने देखा शहर का हाल, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हुई हैं, लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, आप भी लॉकडाउन के सरकारी निर्देशों का पालन करिए, घर में रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है कोविड-19 को लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आज सभी दलों के सदन के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर काम करने पर जोर। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 4643, 149 लोगों की मौत। इलाज के बाद 401 लोगों को मिली छुट्टी। महाराष्ट्र में कोविड-19 से 64 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के चलते हालात गंभीर।
गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को राज्यों में समन्वय स्थापित कर जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और जरूरी सामान की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने देने के लिए दिए निर्देश। सरकार ने कहा देश में खाद्यान्न का है प्रचुर भंडार। कोरोना वायरस संकट के दौर में वेतन में स्वैच्छिक कटौती के बाद सांसदों और विधायकों ने एक साल के लिए अपने भत्तों में की 30% की कटौती। राष्ट्रपति ने किए अध्यादेश पर हस्ताक्षर। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लगातार दूसरे दिन आईसीयू में। चिकित्सकों ने कहा उनकी हालत में सुधार। न्यूयॉर्क में कोविड-19 का कहर जारी। एक ही दिन में 721 लोगों की मौत। चीन ने 76 दिनों बाद वुहान से हटाया लॉकडाउन। नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न दलों के सदन के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम मोदी ने कोविड-19 की चुनौती के मद्देनजर इन नेताओं के साथ कोविड-19 से जुड़े विषयों पर संवाद किया और कई अहम पहलुओं को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आपसी समन्वय के साथ सभी राज्यों को एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ मुहिम को तेज करने की बात कही। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, जिस तरह से प्रधानमंत्री सभी स्तरों पर देश विदेश में बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रखे हुए हैं, उस कड़ी में ये कितना अहम कदम आज की मीटिंग? महीने से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 15 के आसपास जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं डोमेस्टिक यानी कि भारत के अंदर, चाहे वो मीडिया से जुड़े लोग हो या फिर हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोग हो, इकोनॉमिक और ट्रेड से जुड़े लोग हो, चीफ मिनिस्टर्स की बात की उनसे बातचीत की जाए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उन्होंने बातचीत करी है। मकसद साफ है कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज को डिजाइन किया जा सके, कोविड-19 के खिलाफ जो जंग है इसके खिलाफ और कैसे तेज किया जा सके इन स्ट्रैटेजीज को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जितने स्टेक होल्डर्स हैं इनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, दो चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कि क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो एक स्टेट के अंदर हो रही है या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रही है, और दूसरा और क्या कुछ करने की जरूरत है किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस समय पर, जिससे कि कोविड-19 के आउटब्रेक को कम किया जा सके। हम इस समय पर जानते हैं कि लगभग 725 के आसपास हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से 40% डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो इंपैक्टेड है कोविड-19 के आउटब्रेक की वजह से, और इसी को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विभिन्न स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं। अभी इसी सप्ताह में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट का एक बहुत बड़ा फैसला निकल करके आया कि जितने भी एमपीज हैं उन्होंने एक तरह से 30% का पे कट लिया हुआ है और एक साल के लिए, और जितने भी एमपी लेट फंड है उसको 2 साल के लिए रोका गया, यानी कि 8,000 करोड़ रुपए की जो बचत होगी उसको कोविड से जुड़े कार्यों में लगाया जाएगा। तो सरकार एक तरह से ये भी कोशिश कर रही है कि कैसे और रिसोर्सेज को रेवेन्यूज को जनरेट किया जा सके, जिससे कि कोविड-19 के खिलाफ एक जो बेटर हेल्थ सिस्टम है, एक हेल्थ इकोसिस्टम है, उसको डिजाइन किया जा सके। तो यही कोशिश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो ऑपोजिशन लीडर्स हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन सबसे बात की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जो ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर जो पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह या फिर देवेगौड़ा, या पूर्व राष्ट्रपति जैसे कि प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन सबसे बातचीत की है। यानी कि सबका साथ सबका विकास सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं डोमेस्टिकली भारत में भी, और दुनिया भर के नेताओं से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। लगभग 20 से ज्यादा जो ग्लोबल लीडर्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी बातचीत कर चुके हैं कि कोविड-19 के खिलाफ कैसे स्ट्रेटेजी को बनाया जा सके, क्योंकि ये वो लड़ाई है जो एक अकेले नहीं लड़ी जा सकती, इसके लिए सबको एक साथ आना जरूरी है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको एक साथ लेकर के सबके आइडिया समझ करके जान करके इस लड़ाई के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात अरुण ये कि जब देश हित की बात आती है तो तमाम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक दिशा में कदम उठाने की जरूरत, उस दिशा में किस तरह की ये अनूठी पहल दिखाई देती है? देखिए, इस लड़ाई के अंदर सबको एक साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम देखेंगे अब पिछले कई अगर सप्ताह से देखा जाए तमाम स्टेट्स और राज्य एक तरह से तालमेल के साथ में काम कर रहे हैं समय पर, क्योंकि इसमें हमें दलों को अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम दलों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से जो लीडर ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज है लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स की, उनको उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत करके समझ रहे हैं कि आखिर ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री समझना चाह रहे हैं
हैं कि आखिरकार जो देश की 40% डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पर है, अगर वहाँ पे कोविड 19 का कहर है, वहाँ पे अगर आउटब्रेक हुआ है, तो कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि ये वो लड़ाई है जो अकेले एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री अकेला नहीं लड़ सकता। इसमें दुनिया भर के तमाम जो राष्ट्र नेता है उनको, और डोमेस्टिकली भी तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को एक साथ, यानी कि सेंटर और स्टेट्स को एक साथ आने की जरूरत है, तभी कोविड 19 को हराया जा सकेगा। बिल्कुल अरुण, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, इसके अलावा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों से, पूर्व राष्ट्रपतियों से भी बात की, और अब जिस तरह से विभिन्न अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जिस तरह की स्थिति उभर कर आ रही है, सरकार उसके अनुसार निर्णय ले रही है, तो ऐसे में जो विभिन्न दलों के प्रबुद्ध नेता हैं, व्यक्ति हैं, उनके अनुभव किस तरह से काम आ सकते हैं, कौन कौन सी बातें अभी तक निकल कर आई हैं, क्या आपको इस बारे में जानकारी मिली है? बिल्कुल, इस समय पर अगर देखा जाए तो केंद्र या फिर इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में उन्होंने संवाद स्थापित किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, यानी कि अगर सोनिया गांधी, अखिलेश यादव या अन्य जो नेता है ऑपोजिशन पार्टीज के, उनके साथ में बातचीत की, और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत की है। मकसद साफ है कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इसी वजह से सरकार इस समय पर दो स्ट्रैटेजी बनाकर के काम कर रही है। पहला ये कि किस तरह से हम एक स्टेट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को दूसरे स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर सके, यानी कि अगर मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर अगर 1000 से ऊपर केसेस चले जाते हैं, महाराष्ट्र मोस्ट इंपैक्टेड है, तो महाराष्ट्र कैसे दूसरे स्टेट्स के साथ में सीख सकता है वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस को। तो सरकार इस समय पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक जगह से दूसरी जगह में इंप्लीमेंट कराने का पर फोकस कर रही है। दूसरी बात, सरकार एक तरह से एक बेटर हेल्थ सिस्टम के लिए कैसे और रिसोर्सेज को जनरेट कर सके और क्या और बेटर सुविधाएं दी जा सके, इस बात पर भी फोकस कर रही है। इस बात को हम जानते हैं कि इस समय पर लगभग 1 लाख के आसपास ही टेस्ट हो पाए, यानी कि 1 लाख से कुछ ज्यादा ही देश के अंदर टेस्ट हो पाए हैं। तो अब जो चरण जो अब आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब अगले चरण में लग रहा है कि जो फोकस सरकारों का ये रहेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जा सके, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतने ही कोविड के जो पेशेंट हैं उनको एक तरह से निकाल पाएंगे। तो यही एक तरह से दो सूत्री रणनीति इस समय पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं सरकार की रणनीति की किस तरह से जो विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न जगह हैं, उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाए और किस तरह से विभिन्न परिस्थिति के अनुसार जिस तरह की परिस्थिति आ रही है उसमें निर्णय लिया जा सके और किस तरह से जो अलग अलग नेता हैं उनके जो सुझाव हैं वो इसमें कारगर भूमिका अदा कर सकते हैं, ताकि इसके खिलाफ, कोरोना के खिलाफ जंग में एक मजबूत कदम उठाया जा सके। अरुण, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश में कोविड 19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4643 हो गई है। इसके साथ ही 401 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर लगातार कोरोना के संक्रमण को कम से कम करने के उपायों पर काम कर रही है। महाराष्ट्र में कोविड 19 का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इस वायरस से 64 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए हैं। देश भर में विभिन्न एजेंसियां लोगों तक लगातार ये संदेश फैला रही हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने घरों में ही रहें। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश भी एक बड़े कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। अब तक 229 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे चिंता की बात यह है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज्यादा मौतें इंदौर शहर में रिकॉर्ड की गई हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर में बेहद सख्त लॉकडाउन लागू है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के उपायों को लेकर चर्चा की। अमित शाह ने अधिकारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ तेजी से कड़े कदम उठाने का भी आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में खाद्यान्न का प्रचुर भंडार है और किसी भी जरूरी वस्तु की कमी नहीं है।
कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए संसद सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ संसद सदस्यों से जुड़ा वेतन भत्ते एवं पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह अध्यादेश संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन अधिनियम 1954 में एक नई उपधारा जोड़ता है जो वेतन कम करने के संबंध में है। वेतन में 30% कटौती के बाद संसद सदस्यों के भत्तों में भी एक साल तक कमी का फैसला किया गया। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता घटाकर 49,000 और कार्यालय व्यय भत्ता घटाकर 54,000 रूपये किया गया। संसद की संयुक्त समिति के निर्णय को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें संसद सदस्यों के वेतन में एक साल के लिए 30% कटौती का फैसला किया गया। एक अन्य फैसले में सांसद निधि को दो साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में किया जाएगा। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने छात्रों की रचनात्मकता और उनकी क्षमताओं को परखने के लिए एक ऑनलाइन चैलेंज समाधान शुरू किया है। इस चैलेंज में भाग लेने वाले छात्रों को ऐसे नए विचारों पर काम करना होगा जिससे सरकारी संस्थाओं, अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सेवादाताओं को कोरोना को हराने में मदद मिल सके। इस समाधान चैलेंज की मदद से नागरिकों को जागरूक बनाने, किसी भी चुनौती के लिए तैयार करने और अपनी रोजी रोटी की खुद से व्यवस्था करने समेत कई तरीकों पर काम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस चैलेंज में छात्रों और शिक्षकों को नए आविष्कार करने और चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए तैयार किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में शामिल होने की प्रक्रिया कल यानी 7 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। चैलेंज में शामिल होने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल है। और कोरोना के कहर से बचने के लिए किसान भी सोशल डिस्टेंस को बनाकर खेती कर रहे हैं। लॉकडाउन में सरकार ने किसानों को खेतों में काम करने की छूट दी हुई है। कैसे काम कर रहे हैं किसान, मेरठ में जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। किसान किस तरीके से अपने खेतों में काम कर रहा है ये जानने के लिए हम मेरठ के एक ग्रामीण इलाके में आए हैं और सरकार की तरफ से भी किसानों को इस बात को बोला गया है कि जो किसान अपने खेतों में काम करना चाहते हैं वो अपने खेतों में जाके काम कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका जो पालन है किसान अपने खेतों के अंदर भी करे। पहले जहाँ खेतों में कई किसान एक साथ काम करते थे, अब वहाँ जरूरत के हिसाब से किसान अपने खेत में जाते हैं और काम करते हुए सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन भी करते हैं। ये किसान भी जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए ग्रामीणों को सरकार द्वारा की गई अपीलों का ध्यान रखना है। खेत में अपना काम करते हैं लेकिन इस बात की एहतियात रखते हैं कि एक दूसरे से दूरी बने रहे ताकि वो हमारे कोरोना के वो ट्रांसफर ना हो सके कीटाणु। हमने विधान किया हुआ है, सभी को मालूम हो गया है कि हम ये सोशल डिस्टेंसिंग की विधायत है और हम ये इसका पालन करते हैं। हम चाहते हैं कि एक दूसरे को ये ट्रांसफर ना हो, 3 फुट की दूरी कम से कम बनी रहे। किसानों को खाद एवं बीज की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार ने किसानों से जुड़ी आवश्यकताओं वाली दुकानों को खोलने की भी छूट दी हुई है ताकि देश में खाद्यान्न के उत्पादन पर कोई असर ना पड़े। हम अकेले रहना चाहते हैं, खेत में भी आते हैं, अकेले काम करते हैं, बाहर आने जाने वाले को मना करते हैं आना हो और ये जागरूक ऐसे ही है, और तो कोई इलाज है नहीं इसका। खाद बीज लेने में ना कोई दिक्कत नहीं आती, वो अपना सुबह के टाइम ले आओ, अकेला अकेला जाओ और आ जाओ लेके। इस समय गन्ने की बुआई और कटाई का समय चल रहा है और कुछ ही दिन बाद गेहूं की भी कटाई शुरू हो जाएगी। एहतियात के साथ उचित दूरी बनाकर किसान भी कोरोना से जंग लड़ने में अपना सहयोग दे रहे हैं। मेरठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ये गन्ने की बेल्ट है, गन्ना यहाँ पर होता है और ऐसे में गन्ने की कटाई का समय चल रहा है। किसान सुबह अपने खेतों में आते हैं और 3 से 4 फीट की दूरी बनाकर काम कर रहे हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सभी को निशुल्क दाल चावल मिलेगा बशर्ते राशन कार्ड हो। ये कार्ड चाहे अंत्योदय का हो या फिर पात्र गृहस्थी का। वर्तमान में जो निशुल्क योजना चल रही है उससे ये प्रभावित नहीं होगा। वर्तमान में योजना के अनुसार प्रति यूनिट को 5 किलो चावल और प्रति कार्ड 1 किलो उर्द की दाल निःशुल्क मिलेगी। इसका जायजा लिया मेरठ में हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। हरेक व्यक्ति के घर में अनाज पहुंचे, खासतौर से जो गरीब व्यक्ति है उसके घर में अनाज पहुंचे, तो मोदी सरकार ने ये पहल की है कि जितने भी कार्ड धारक हैं उनको 3 महीने तक मुफ्त में चावल
और दाल दी जाएगी। जो चावल है वो प्रति यूनिट 5 किलो दिया जाएगा और इसके साथ ही 1 किलो दाल दी जाएगी। गरीब कल्याण योजना के तहत जो अभी फिलहाल रेगुलर जो आवंटन आया था उसका वितरण हो रहा है। इसमें 4 श्रेणियाँ दी गई थी, अंत्योदय और दूसरा श्रमिक जो पंजीकृत है मनरेगा मजदूर, और जो नगर निकाय और नगर पालिका में जो दिहाड़ी मजदूर के रूप में पंजीकृत है, इन लोगों को निःशुल्क मिलना था। और अब जो दूसरा आ रहा है, चावल आया है, ये 15 तारीख से बटेगा। इस चावल में प्रत्येक यूनिट 5 किलो बटेगा और सबके लिए ये मुफ्त होगा, मतलब फ्री होगा। इसका कोई भी मूल्य उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा। ये लेकिन मिलना कार्ड होल्डर को ही है, इनके कार्ड बने हुए हैं, चाहे वो अंत्योदय में हो या पात्र दृष्टि में हो। अंत्योदय योजना के तहत जो भी गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं जो लाभ ले रहे हैं उन्हें मिलता रहेगा, लेकिन जो भी कार्ड धारक हैं जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको मुफ्त में 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मेरठ। तो देश भर में हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हमारे संवाददाता कमल बोरा ने असम के ताजा हालात को देखकर ये जानकारी दी। असम में फिलहाल 28 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 27 केसेस जो है वो जुड़े हुए हैं तबलीगी जमात से। फिलहाल ये पेंडेमिक के मुकाबला करने के लिए असम सरकार द्वारा काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फैसले लिया गया है, जिसमें शामिल है 30% सैलरी मिनिस्टर और एमएलए का कटौती करने का, जो पैसा यूज़ किया जाएगा स्टेट के हेल्थ फैसिलिटी को बूस्ट अप करने में। इसी के साथ साथ ये जो फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ सर्कुलेशन जो है सोशल मीडिया के सोशल मीडिया में, उसमें भी कड़ा नज़र बनाया हुआ है असम सरकार द्वारा, और बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया गया है ताकि ये फेक न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन ना हो। और इसी के तहत असम पुलिस द्वारा अब तक 45 केसेस रजिस्टर किया गया है और साथ ही साथ 23% को अरेस्ट भी किया गया है, और जिसमें से एक एमएलए भी शामिल है जिन्होंने कुछ ही दिन पहले प्रोवोकेटिव और कम्युनल स्टेटमेंट सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया था और उनको भी अरेस्ट किया गया है। और इसी के साथ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि असम सरकार हर एक पॉसिबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं ये समस्या से जूझने के लिए। इसी को रिपोर्ट करते हुए कमल बोरा, डीडी न्यूज के लिए गुवाहाटी से। उधर जयपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत कर दी है। घर घर जाकर स्वास्थ्यकर्मी परिवार के सदस्यों का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लॉकडाउन पर उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है, इसका हमारे संवाददाता विकास सिंह ने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत के जरिए जायजा लिया। हमारे साथ है प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। आइए जानते हैं इनसे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की महामारी से उपाय के लिए क्या कुछ सरकार बड़े कदम उठा रही है। ये सरकार ने काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए। आप जानते हैं कि पूरे देश भर में लॉकडाउन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उत्तर प्रदेश में उसका 100% अनुपालन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निरंतर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। कृषि संबंधित ढेर सारे कार्य शुरू हो गए हैं, कई मशीनें कई अन्य प्रदेशों से आती हैं खेत में, या कोई सामान लेने बाहर आना जाना पड़ता है, उन सब चीजों के लिए किस तरीके से कार्य निर्देश है? क्या उन लोगों को पास बनवाना पड़ेगा? पास जारी करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, अथवा वो बता के ही चल सकते हैं सर? देखिए, राज्य के भीतर जिस जिले के भीतर वो कंबाइन मालिक किसान निवास करते हैं वो वहाँ पर उस जनपद से अनुमति लेकर के दूसरे जनपद में कटाई मड़ाई के लिए जा सकते हैं। क्रय केंद्रों को चालू करने की सरकार बात कर रही है और तैयारी भी कर दी है, इसके लिए क्या कुछ उपयुक्त व्यवस्थाएं की गई? प्रयास ये किया जा रहा है कि 15 अप्रैल से क्रय केंद्र चालू हो जाए, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है, वो विभाग अपनी ओर से उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये थे प्रदेश के कृषि मंत्री जो बता रहे थे कि इस मुश्किल समय में सभी लोग मिलकर साथ रहें, किसानों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजना शुरू कर दी गई हैं, फसल से लेकर क्रय केंद्रों तक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और किसानों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है, निगाहें बनाए हुए हैं। दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।
ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इमाम उमर अहमद इलियासी ने शबे बारात के अवसर पर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कहा, इस वक्त घर पर रहना और देश में कोरोना वायरस फैलने से बचाना ही असली इबादत है। अपने तमाम भारतवासियों को, खासतौर पर अपने मुसलमान भाइयों को, इमामों को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि शबे बारात का पर्व कल आने वाला है और इस मौके पर मैं तमाम सबसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई भी जो भारत के अंदर लॉकडाउन और जो भारत के अंदर दफा 144 लगी हुई है उसका पालन करेंगे। सभी लोग घर में रहेंगे और घर में रहकर इबादत करेंगे। हम अपने जितने भी इंसान जो जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, जितने कोरोना वायरस से और जितने भी कोई भी बीमारी में मुब्तला है उनके लिए हम दुआएं करेंगे और हम अपने ख़ास तौर पे अपने देश के लिए दुआ करेंगे। ये दुआ का वक्त है, सिर्फ और सिर्फ घर में रहकर ही इस काम को करेंगे। पुलिस का, प्रशासन का और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका हम पूरा पूरा ख्याल करेंगे। यही हमारी इबादत है, यही हमारा धर्म है जिसे आज हमें निभाना है। जान है तो जहान है। भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्मकांत चिमोटला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया है। पीएम ने ट्वीट में कहा कि भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्मकांत चिमोटला के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्हें उनके बेहतरीन कार्य और भारत और अमेरिका को करीब लाने के प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार तथा मित्रों के लिए संवेदनाएं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर इस वक्त कुछ फेक न्यूज भी चलाई जा रही हैं जिनका लगातार हम पर्दाफाश कर रहे हैं। और ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने कोरोना के नाम पर कुछ इंजेक्शन मंगाए हैं जो लोगों को मारने के लिए हैं। फैक्ट चेकर ने जांच में ये पाया कि ये तस्वीर मलेशिया की है और ये दावा गलत है। वायरल ऑडियो देश का माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश है। तो इस तरह की कई खबरें सोशल मीडिया पर इस वक्त चलाई जा रही हैं। ऐसी एक खबर है सोशल मीडिया पर, कुछ लोगों ने तबलीगी जमात के बचाव में एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक पुजारी की मौजूदगी में लोग पुलिसकर्मी को मार रहे हैं और सवाल उठाया कि मंदिरों में सोशल डिस्टेंस का पालन कराने गई पुलिस की पिटाई हुई। जांच में यह खबर और तस्वीर भी झूठी पाई गई। दरअसल ये तस्वीर एक नाटक की है। तो इस तरह की जो फेक न्यूज है उन पर विश्वास न करें। आगे बढ़ते हैं। अब नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक विशेष संदेश हमारे मूक बधिर दर्शकों के लिए। ऐसे वक्त पर जब सावधानी ही सबसे अच्छा इलाज है, सबके लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए सिनेमा जगत के लोग भी अपने अपने तरीकों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गायक और कंपोजर शंकर महादेवन ने लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दिया। आओ हम सब मिलकर दिल्ली पुलिस का साथ दें। ये जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथों को अच्छी तरह धोएं, घरों में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। Let's all become Corona warriors against this dreaded disease. Namaskar. तो कोरोना से जंग में महत्वपूर्ण हथियार है सोशल डिस्टेंसिंग। इसका पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सवा सौ करोड़ से ज्यादा आबादी का देश तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक वीआईपी नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से।
बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। Their whole schedule goes for a toss. Now, if they are students who've been awake the whole night and that's the way they learn, or they're in their most resourceful state, maybe perhaps in the night, but they come back home, the parents have read about no wake up early, go into routines. These are all generic psychological tips that people keep giving. All of them, actually, it sort of shakes them up. Because one thing internally inside them, there are a lot of things happening within them. And then when they have to be forced into such schedules, it actually throws them off guard. Yeah. So what needs to be actually done is let them be their own. Let them follow their schedule, their biological clock. Let's not overnight, you know, change them into wake up at 6 o'clock, start doing this, yoga, meditate, go do this, go do that. See, it's half of it is the parents' anxiety themselves. So they don't know how to cope with it. So they put it onto the students and they think, okay, these children also need to be trained now. So they start introducing these new norms. But then if they're left alone, they will start doing a lot of things on their own. It's even for the students, because some of them want to obey their parents. So they try these schedules and then they call me saying, you know, they are not able to fit into that. There's something wrong with me, doctor. I'm not able to wake up at 6 o'clock in the morning. Mahatma. दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना, पर भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही, आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। Prime Minister Narendra Modi discusses future course of action on COVID-19 with parliamentary floor leaders of all parties today through video conference. Prime Minister has already held review meeting with chief ministers. Active corona positive cases in the country go up to 4,643, while corona-related deaths stand at 149.